अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, ये देखिए मैंने चूल्हा जला लिया। अच्छा मैं आपको ये मेथड बता दूं, पहले ये मैंने कबाब बना रही हूँ, ये शामी कबाब आलू कीमा और चने की दाल के मिक्स करके मैंने ये बनाया हुआ है। सामान सारा वही डाला है, आप साबित धनिया जीरा और काली मिर्चें ये हल्का सा तवे पे भून लें और उसे कूट के इसमें डाल दें, और इसके अंदर प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्चें साबित लाल मिर्चें ये सब ऐड कर दें, और नमक और हल्दी थोड़ी सी हल्दी। ये सब बैटर बना लिया, गला लिया इसको, इसको पीस लिया है मैंने, और इसमें बारीक प्याज करके मैंने काट के डाल दिए, हरा थोड़ा सा पुदीना डाला है इसके अंदर। अब मैं आपको सिर्फ तल के दिखा रही हूँ, बना के दिखा रही हूँ मैं आपको, आप देखिएगा। अच्छा ये थोड़ा सा तवा ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, पाइप है ये, है सेरी की रूटीन है ये मेरी सेरी। अच्छा ये देखिए कुछ मैंने सूट सी हैं वो भी दिखाऊंगी आपको मैं, ठीक है। अच्छा ये प्यार व्यूअर्स देखिए ये एक हो गया तैयार, ये हाथ के अभी मैंने डालने दिए। अच्छा थोड़े बनाऊंगी मैं, बाकी बाद में तल लूंगी, अभी आपको दिखाने के लिए मैंने 6 बना रही हूँ मैं कबाब, बहुत मजे के बनते हैं ये भी मिक्स। अच्छा प्यार व्यूअर्स मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी इतना छोटा है ना कि इसमें से 4 आएंगे और बाकी 2 बाद में कर लूंगी, इसके बाद ही कर लूंगी बाकी। ये देखें ये फ्राई हो रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा थोड़ा सीखेंगे ये अभी सेक के, फिर इसको पलटेंगे एक तरफ खींच जाए, इसके बाद में हम इसे पलटेंगे, ठीक है। पहले तो ये अभी सीख रहे हैं नीचे से, ये सीख जाए तो फिर मैं पलटती हूँ। थोड़ा सा दूसरा काम कर रही थी मैं, जब तक कबाब सीख रहे हैं ये वाला काम कर दूँ जरा ऑयल वाला। रमजान रूटीन है ये मेरी। अच्छा क्या है रमजान रूटीन, ये एक तरफ से सीख गया, ये देखिए अंडा मिलाया हुआ है इसमें, एक अंडा मिला हुआ है, ठीक है, ताकि ये टूटे नहीं और बिल्कुल सही बन रहेंगे। देखो ये देखो बिल्कुल सही बन रहेंगे। अच्छी तरह सीख जाएंगे ना, तो इसमें निकाल लूंगी फिर मैं प्लेट में। नीचे के भी इसी तरह सीख गए होंगे।
ये देखो ये सिक्का है, ये निकाल ली मैं प्लेट है। तो अंडा है लगा हुआ, अंडा है, ये देखो ये सिक्का है हमारे कबाब। अच्छा अभी मैं सिर्फ चार ही बनाए मैंने, इसलिए कि ज़्यादा वो जब वो है ना ठंडे हो जाते फिर गर्म ही करने पड़ते, इससे अच्छा ताज़े ताज़े बनाए। और ये जो बाकी का जो थोड़ा सा आ रहा है ना इसका कबाब का, तो ये आप इसको इसमें ही डाल लें, ठीक है। ये देखें ये मेरे कबाब तैयार हैं, आज की रेसिपी है ये, सेरी की रेसिपी है कबाब, शामी कबाब, चने की दाल, आलू और कीमा। इसका मैंने आपको तरीक़ेकार भी बता दिया है, अच्छा आप देख लीजिएगा फिर। और प्यारे बस बाकी ये है कि अब और भी चीज़ें दिखा रही हूँ मैं आपको, तो आप चलें फिर मेरे साथ। अच्छा इसकी तो मुझे आपको और भी बतानी है चीज़ें। अच्छा ये देखें, ये देखिए ये मैंने सूट तैयार किया था, रात में बैठ जाती तो थोड़ा थोड़ा काम सिलाई का भी कर लेती। ये देखिए, ये देखिए, और इसमें पॉकेट्स भी लगी हुई है, एक लगाई है बस ये पॉकेट, ये मैंने सिर्फ एक ही दी है पॉकेट, ठीक है ना। ये देखिए, और इसका ट्राउज़र जो है ना वो ब्लैक ही है, ट्राउज़र सादा ही है। और ये देखें, ये देखें ये पिंक वाला, इसमें लेस लगी हुई है, शीशे वाली नहीं आती लेस चिपकने वाली, ये वो है, ये देखें। और इसका भी ट्राउज़र सादा है, इस पाचे में इस टाइप की लेस लगी, इस्त्री करके टांगे में, असल में मैंने भी निकालूंगी टूट जाएगी इस्त्री। तो ये देखें, तो ये ट्राउज़र है और ये शर्ट है जी मेरे। और एक ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़बरदस्त। आप थोड़े से दूर हट के दिखा दें, ये देखिए। और ये पॉकेट है, ये वाली ये पॉकेट है, और ये देखिए कंगूरे वाला है बना। इसका भी ट्राउज़र सादा है, ब्लैक ट्राउज़र जो चल रहे हैं ना टाइट और टाइट की तरह वो होंगे ये ट्राउज़र। अच्छा ये देखिए, और इसका दामन वामन सब मतलब कंगूरे मैंने बस सिर्फ आस्तीन में और गले पे दिए हैं, और बाकी उसमें भी ऐसे ही किया है। काम बढ़ जाता है फिर पता है, करने करते करते काम होता है फिर। ये सारा हो गया। ये देखिए आपको मैंने अपने ड्रेस भी दिखा दिए हैं, बच्ची के हैं ये सारे कपड़े मेरे, ये मेरे बेटी के कपड़े हैं ये सारे। तो ये देखिए कबाब भी बनाए मैंने, ये आपको दिखा दिए, वहीं बना के दिखाए, हर चीज़ करिए। और प्यार ये है कि अभी बाकी का ये सिलसिला जो है ना, आज तो वैसी जुमेरात है, कल जुम्मा है, कल तीसरा अशरा होगा, तो दुआओं में याद रखिएगा हम लोगों को भी और हमारे बच्चों को भी। ये आज की कबाब की रेसिपी है ये। बता दिया आपको मेथड, इसका सारा बता दिया मैंने, आप खुद चेक कर लिएगा फिर बाकी ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है। और कमी बेशी अगर और तेज़ मसाला कम ज़्यादा करना हो वो आप अपने अफराद के हिसाब से सारा कर लिएगा। ये मेरे ये आज की डिश सहरी है, रमज़ान रूटीन सहरी की है ये, रमज़ान रूटीन है ये मेरी जो चल रही है। अच्छा प्यारी बात, और भी चीज़ें हैं मैं आपको और दिखा देती हूँ। बाकी ये है कि मेरा जो ज़्यादातर काम है ना वो इसी तरह चलते फिरते होता है, तो मैं वो कर लेती हूँ काम सारे। और आज वैसे भी थोड़ी सी, कल से दो दिन से मेरी तबीयत वैसे सही नहीं थी, कि चेस्ट आ गया था मुझे काफ़ी, इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो उसमें मेरे इंजेक्शन लग रहे थे। तो चल रहा मौसम अच्छा नहीं चल रहा, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, ऐसे ही चल रहा है ये सारा माहौल। तो इस तरह ये नमोनिया भी फैला हुआ है आजकल, नमोनिया भी बहुत चल रहा है बच्चों में, मैंने बहुत देखा है। और आजकल के ये लोग जो यहाँ पर मैंने देखा है ना, यकीन आप मुझे खुद बताएं, ये रमज़ान इबादत की होती है ना या क्रिकेट खेलने की होती है?
छोटे बच्चों को जब तक आप बताएंगे नहीं, खुद बाहर निकाल देते, खुद अंदर घर के अंदर पड़े सो रहे होते हैं, बच्चे दरवाजा खोल के अपने बाहर निकले हुए हैं, खेल कूद रहे हैं, मैंने कहा बहुत बेएहतियाती कर रहे हैं, नमूनिया फैला है, बहुत सी चीज़ें फैली, क्रिकेट विकेट, ये रमज़ान जो होता है इबादत का आता है, बच्चों को इनमें डालें, पढ़ाई लिखाई में, बातों में डालें, रोज़ा रखवाएं, उनसे बातें बना, छोटे बच्चे हैं उनको सुलाते हैं, जाहिर है गोद वाले तो नहीं करते ये काम, पर तमीज़ नहीं है लोगों को बिल्कुल भी, इतनी जहालत फैली हुई है यकीन करें, इतनी जहालत है कि वो यही लोग उल्टा हम ही पे ब्लेम डाल देते हैं, ऐसे जाहिल लेंगे ये लोग, अच्छा माहौल नहीं है आजकल का, वैसे भी बहुत बच के रहना पड़ता है हर चीज़ से, सही है ना। अच्छा प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, विश करें, और दुआओं में याद रखिएगा, कल जुम्मा है, रमज़ान का तीसरा अशरा है, हमारे हमें हमारे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा, बाकी सबको मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़।